मैं पंजाब के मुख्यमंत्री साहब भगवंत सिंह मान साहब नूं और सारे नवे चुने कैबिनेट वजीरां नूं दिल दी गहराइयां दे विचों पूरे पंजाब नूं दिल दी गहराइयां दे विचों लख लख मुबारकबाद दिंदा कि पंजाब दे लोकां ने आम आदमी पार्टी ने और केजरीवाल साहब ने मान साहब ने उन्हां दे सिर बहुत वड्डी जिम्मेवारी जिहड़ी उह दित्ती है और मैं उम्मीद आस करदा कि शुभकामनावां दिंदा कि पंजाब नूं मुड़ द्वारा खुशहाल ते रंगला पंजाब बनाउण दा काम है जिहड़ा वो अज तो ही शुरू हो गया। हाइपोथेटिकल गल्लां दा मैं अज तक ना कदे जवाब दित्ता है ते ना मैं कदे देना है। मैं शुरू तो कहिंदा आ रहा कि मैं पार्टी दा सब तो छोटा ते निमाणा वर्कर हाँ। मेरी पार्टी मेरी जिम्मेवारी जिथे लाउंदी है मैं वह जिम्मेवारी तनदेही दे नाल निभाउण जाणदा। ਅਹੁਦਿਆਂ ਦੀ ਰੇਸ 'ਚ ਨਾ ਕਦੇ ਅਮਨਸੀਦ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਕਦੇ ਹੋਊਗਾ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਕੀ ਯੂ ਐੱਸ ਪੀ ਹੀ ਯਹੀ ਹੈ ਕਿ ਨਏ ਲੋਕੋਂ ਕੋ ਆਮ ਘਰੋਂ ਕੇ ਬੇਟੇ ਬੇਟੀਓਂ ਕੋ ਮੌਕਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇਤੀ ਹੈ। ਯਹੀ ਦਿੱਲੀ ਮੇਂ ਹੁਆ ਥਾ, ਯਹੀ ਪੰਜਾਬ ਮੇਂ ਹੁਆ ਹੈ, ਜੋ ਆਮ ਘਰੋਂ ਕੇ ਬੱਚੋਂ ਨੇ ਬੜੇ ਬੜੇ ਪੰਜਾਬ ਕੇ ਧੁਰੰਧਰੋਂ ਕੋ बड़े बड़े नेताओं को धूल चटाती, यही आम आदमी पार्टी की यूएसपी है। ये बारे तो सीएम साहब या कैबिनेट ही दस सकती है, पोर्टफोलियोज का मैं ना कोई अंदाजा सी ना ही मैं दस सकता। यदा जो देखो जिहड़ा मंत्री बनाउण दा या पोर्टफोलियो देण दा प्रेरोगेटिव अधिकार खेत्र जिहड़ा हुंदा है वह माणयोग सीएम का हुंदा है। ते जो चाहे इस कैबिनेट के जिन्हों थां मिली है, चाहे अगली कैबिनेट के चाहे पोर्टफोलियो का जो भी फैसला मान साहब करनगे वो पार्टी के 3 करोड़ जनता के पंजाब के लोगों के हित दे विच ही रख के करनगे। सो इहदे बारे पोर्टफोलियोज की गल या अगली कैबिनेट की गल इहदे बारे माननीय मुख्यमंत्री भगवंत मान साहब ही दस सकते हैं। थैंक यू जी।